गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड नोडल एनालिसिस। यस, यस मैम। ओके। वन न्यूमेरिकल होगा क्या ऑन नोडल एनालिसिस? वी कंप्लीट दैट न्यूमेरिकल? नो ओनली कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर ना? यस यस, ओके। वन मिनट। यस, ये न्यूमेरिकल था क्या? यस मैम। यस, यस हाँ, ये हम फिर से सॉल्व करेंगे। इसका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया था हमने। ओके, हाँ, वन मिनट। मैम, सुपर मैश और नोडल एनालिसिस एक ही है क्या? नहीं, दोनों अलग है। एक इसमें नहीं आता है, वो दोनों के लिए एक अलग क्वेश्चन रहेगा। फॉर 5-5 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स। नाउ सी हियर, दिस इज द सर्किट। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर नोडल एनालिसिस? Identify यस mark different junction. यस, आइडेंटिफाई डिफरेंट जंक्शन। सो से इट इज ए जंक्शन नोड। ये जंक्शन नोड बन रहा है। यस, ए इज जंक्शन नोड। यस और नो? Yes. हाँ, देन दिस इज जंक्शन नोड, दिस वन। यस, ये जंक्शन नोड बन रहा है। Yes. टेल मी फास्ट। यस, ओके, हाँ। नेक्स्ट, दिस वन इज नोड और जंक्शन नोड? नोड नोड, ओके। सो नोडल एनालिसिस में हमें सिर्फ जंक्शन नोड सर्च करना है। ओके, एंड वन मोर जंक्शन नोड, दैट इज कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स मीट हो रहे, दैट इज द रेफरेंस नोड। विच नोड? रेफरेंस नोड, वेर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मीटिंग। तो ये रेफरेंस नोड पे कितने एलिमेंट्स मीट हो रहे? यस, कितने एलिमेंट्स मीट हो रहे एट दिस रेफरेंस नोड? फोर फोर फोर। तो इसलिए इसको रेफरेंस नोड पकड़ा है, और हमेशा इसका v इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नाउ एट जंक्शन नोड हमें केसीएल अप्लाई करना होता है। ओके, सो केसीएल मींस वी नीड्स करंट, करंट डायरेक्शन। सो लेट दिस इज I1 करंट। आपके बुक में मेंशन करो ये I1 करंट। रैंडमली हम कहां पर भी कौन सा भी करंट दे सकते हैं। I2, I3, ओके, I4 एंड I5। करंट्स आर, नंबर ऑफ करंट्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स।
मेंशन किया? यस यस ओके. नाउ दिस इज नोडल एनालिसिस. ओके, अदर नेम फॉर नोडल एनालिसिस इज नोड वोल्टेज मेथड. नोड वोल्टेज मेथड इसका दूसरा नाम है, नोड वोल्टेज. तो जो हमने जंक्शन नोड दिया है तो उसको वोल्टेज से लेबल करना है, दैट इज वी ए, और दूसरा है वी बी. क्लियर? हाँ, जो हमने जंक्शन नोड लिखा है उसको वोल्टेज से लेबल करना है, वी ए एंड वी बी. ओके, सबने बताया ये सब कुछ आपके डायग्राम में बताया? यस यस मैम. ओके, वन मिनट. राइट डाउन नाउ. अप्लाई केसीएल एट ए जंक्शन नोड. अप्लाई केसीएल एट ए जंक्शन नोड. ठीक है, सो फॉर दिस केसीएल स्टेटमेंट ये लेना है, इनकमिंग करंट्स. मैम ये तो लिखाया है ना. हाँ, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अभी उस दिन सिर्फ कंसेप्ट लिखा था, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. अगर किसी का नहीं ओके हुआ मैम. तो अभी, हाँ अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग. अभी बताओ इनकमिंग करंट्स कौन से इसमें? आई वन, आई टू इज आउटगोइंग, आई थ्री इज आउटगोइंग. सो आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री. अभी फॉर्मूला लेना है, राइट डाउन. बट करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर फॉर नोडल एनालिसिस. ठीक है, क्या फॉर्मूला लेना है, क्या फॉर्मूला लेना है? आई इज इक्वल टू फॉर नोडल एनालिसिस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर. पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर. एक आई वन करंट का देखेंगे, फिर बाकी आप लिखो. आई वन इज पासिंग थ्रू विच रेजिस्टर? आई वन इज पासिंग थ्रू विच रेजिस्टर? 20. ओके, यहाँ पर आई वन पास हो रहा है, और ये 20 ओम कौन से दो वोल्टेज में लगा है, कौन से दो वोल्टेज में जॉइंट है ये 20 ओम? 100 वोल्ट एंड वीए. यस, 100 वोल्ट, 100, और ये है वीए. ठीक है, अभी आई वन का डायरेक्शन 100 वोल्ट से निकल रहा है, सो इट इज आई वन इज इक्वल टू 100 माइनस वीए अपॉन 20. सो दिस इज द राइटिंग ऑफ करंट फॉर नोडल एनालिसिस. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको? मैम डाउट है. हाँ बताओ. मैम वो केसीएल जब यूज किया तो उसमें माइनस आई टू माइनस आई थ्री आना चाहिए ना. नहीं नहीं हमने लिया है ये स्टेटमेंट लिया है, दूसरा स्टेटमेंट, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग. आप जो बता रहे हैं दैट इज आल्सो राइट. वो इक्वेशन कैसे आएगा? आई वन प्लस माइनस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, आई टू आउटगोइंग है इसलिए ये माइनस आ रहा है. इसी को हम कैसे लिखेंगे? आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री. क्लियर? ओके मैम. हाँ यस मैम. ठीक है, चलो अभी आई वन सब्सटीट्यूट करो डायग्राम से. आई वन इज व्हाट? 100 माइनस वी ए अपॉन 20. टेल मी आई टू, आई टू, आई टू कैसे लिखोगे? दिस आई टू वी ए माइनस वी बी अपॉन 15. यस, वी ए माइनस वी बी अपॉन 15. हाँ, मैं आई थ्री का बताती हूँ. आई थ्री इज पासिंग थ्रू 10 ओम, और ये 10 ओम किसके बीच में लगा है? वी मैम कोई तो आ रहा है मीटिंग में. हाँ वन मिनट, इतना होने दो. वी ए माइनस जीरो, वी ए माइनस जीरो. हाँ, आई थ्री का अभी बताओ मुझे कैसा लिखोगे? आई थ्री विल बी व्हाट? वी ए माइनस जीरो अपॉन 10. हाँ, क्या आ रहा है? प्लस वी ए माइनस
हाँ वी ए माइनस क्या लिखना है, वी ए माइनस जीरो अपॉन टेन, हाँ टेन, यस हाँ। अभी इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहा है हमें, अभी वी ए टर्म्स सर्च करना है। अभी इसको दो वेज है, हाँ ट्वेंटी मुझे वन अपॉन ट्वेंटी बताओ कितना होता है, वन अपॉन ट्वेंटी टेल मी वन अपॉन ट्वेंटी का आंसर फास्ट, 0.01 जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो फाइव हाँ जीरो पॉइंट वन अपॉन ट्वेंटी हाँ जीरो फाइव बराबर है, हाँ 0.05 हंड्रेड माइनस वी ए हाँ बराबर है। अभी मुझे वन अपॉन फिफ्टीन बताओ क्या है, वन अपॉन फिफ्टीन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स हाँ। अभी ये वन अपॉन फिफ्टीन को हम क्या लिखेंगे, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और ब्रैकेट में वी ए माइनस वी बी हाँ। टेन का इनवर्स क्या है, प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा इधर पॉइंट वन वी ए बराबर है ठीक है। ये एक ऐसा है हा? ये एक मेथड है वन अपॉन ट्वेंटी ब्रैकेट डालना, ये एक मेथड है। या आप क्या करो सब वी ए एक साथ ले लो, वी ए जो भी है ना, वी ए अभी क्या है माइनस वन ट्वेंटी, दो मेथड है आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये होगा वी ए, कोई भी मेथड से सॉल्व करो जो आपको इजी जा रहा है वो। डन इक्वेशन कंप्लीट, क्या इक्वेशन आ रहा है, होगा इक्वेशन वन यस और नो, यस मैम थोड़ा राइट साइड में दे दो। हाँ इक्वेशन वन होगा क्या, सिंपलीफाई किया इसको मैम वेट मैथमेटिक्स में सिंपलीफाई करते ना वैसे ही करना है। गॉट इट इक्वेशन वन, जीरो पॉइंट टू वन वी ए माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वी बी इज इक्वल्स टू फाइव। 1 मिनट वी ए का कोएफिशिएंट बताओ, वी ए कोएफिशिएंट सही है मैम 0.21 हाँ प्लस है माइनस है, प्लस प्लस हाँ। नेक्स्ट वी बी बताओ, 0.06 हाँ माइनस या प्लस, माइनस हाँ अभी इक्वल टू क्या है कांस्टेंट टर्म, फाइव प्लस या माइनस, प्लस प्लस ओके हाँ। ये इक्वेशन आया सबका, हाँ मैम ओके सो इट इज इक्वेशन वन हाँ। नेक्स्ट अप्लाई केसीएल एट बी जंक्शन नोड, अप्लाई केसीएल एट बी जंक्शन नोड, चलो इनकमिंग करंट कौन सा है इसमें, बी जंक्शन नोड में इनकमिंग करंट कौन सा है, I2 I2 और आउटगोइंग कौन से है,
आई फोर आई फाइव हाँ लिखो इधर अभी आई टू इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव। चलो आप बताओ आई टू कैसे लिखेंगे हम, आई टू कैसे लिखेंगे? आई टू कैसे लिखना सांगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, कोई तो बताओ। वी बी अपॉन 15। यस वी ए माइनस वी बी अपॉन 15। अभी आई फोर बताओ, आई फोर, आई फोर इज वी बी से जा रहा है और नीचे जीरो अपॉन 10। यस वी बी माइनस जीरो अपॉन 10। अभी आई फाइव का क्लियर करेंगे, थोड़ा अलग है आई फाइव। वी बी वी बी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको पोलैरिटी कौन सा कनेक्ट है 80 का, 80 वोल्ट का पोलैरिटी निगेटिव और पॉजिटिव? निगेटिव। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, वी बी माइनस माइनस ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर होगा ये कंसेप्ट सबको? यस मैम। हाँ सॉल्व करो अभी इक्वेशन वन। मैम मैं C32 रंजित बोल रहा हूँ। हाँ मैम वो मेरा डिवाइस डेड हो गया तो मैं दूसरे आईडी से आया हूँ। अच्छा मुरली हो क्या, मुरली हाँ, बोल के उससे ज्वाइन किया क्या? हाँ, तो मुझे हाँ, कैसे पता चलेगा? हाँ मैम वो रोल दूसरा नंबर क्या मेरा है? फोन डेड हो गया तो 32 मैम। अच्छा 32, ओके लगाया अटेंडेंस। डन इक्वेशन टू। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वी ए माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन वी बी इक्वल्स टू 8। माइनस वी बी का बताओ एक बार, जीरो पॉइंट टू सिक्स। हाँ वी बी इज इक्वल टू प्लस 8 प्लस माइनस 0.19 वी बी। बराबर है, माइनस 0.22। चेक करो आप। हाँ सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू एंड टेल मी वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी। जीरो पॉइंट वन फोर आ रहे हैं ना वी बी। जीरो पॉइंट जीरो वी ए माइनस जीरो पॉइंट वन फोर वी बी इज इक्वल टू 8। वन मिनट, वी ए कितना आ रहा है, वी ए का वैल्यू बताओ डायरेक्ट मुझे इक्वेशन सॉल्व करके। 0.06। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए आफ्टर सॉल्विंग इन कैलकुलेटर इक्वेशन में? 0.06। अब जब इक्वेशन सॉल्व करते हो ना तब वी ए क्या आ रहा है इक्वेशन में डाल के कैलकुलेटर में, वी ए एंड वी बी वैल्यूज।
क्या आया? मैम सॉल्व ट्वेल्व फास्ट। पॉइंट नाइन फोर वीए? नहीं, ये हाँ गलत हुआ, गलत हुआ। पॉइंट जीरो सेवन नहीं, आपका इक्वेशन रॉन्ग हो रहा है। फिर मैम 16.08 नहीं, 15 वोल्ट है। वैल्यू चेक करने दो। 15, 10। वैल्यू तो सही है। हाँ चेक करो। वीए वीए इज 15, 15 आना चाहिए, 15 वोल्ट। और वीबी -26.25। इक्वेशन बराबर देखो। हाँ किसी का ये 15 वोल्ट? मैम सेकेंड इक्वेशन चेक करो बराबर। नहीं, फिर गलत है। चेक बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। आया? नहीं, नेक्स्ट। इसका क्वेश्चन क्या था, रीड करो। लास्ट टाइम दिया था, रीड द क्वेश्चन। मेरा आवाज आ रहा है क्या? और मैम हाँ, क्या क्वेश्चन था इसका? क्वेश्चन बताओ क्या था। क्वेश्चन इज बाय नोडल एनालिसिस फाइंड करंट थ्रू 15 ओहम। ये इसका क्वेश्चन था, फाइंड करंट थ्रू 15 ओहम। अभी 15 ओहम से कौन सा करंट पास हो रहा है बताओ? थ्रू 15 ओहम जो हमने असाइन किया करंट। यस, कौन सा करंट है 15 ओहम से? विच करंट? आई टू टेल मी। I2। ओके, हाँ। अगेन फॉर्मूला क्या लेना है? फाइनल भी फाइंड करना है तो हमें लेना है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? VA माइनस VB अपॉन 15। VA माइनस VB अपॉन 15। ये आंसर लिख लो, बाद में घर पे फिर चेक करो। ये आंसर्स लिख लो इसके लिए। टेल मी I2 वैल्यू फास्ट। करंट वैल्यू I15 ओम। कितना आ रहा है ये वैल्यूज रखने के बाद? रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। यस मैम मैम हाँ, इसका वैल्यू क्या आ रहा है I15 ओम का? ये रखने के बाद वी एंड वी बी, जल्दी बताओ। टू पॉइंट सेवन फाइव यस, हाँ, 2.75 एम्पियर। ठीक है, उसका डायरेक्शन बताओ। राइट है, लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड और राइट साइड, विच डायरेक्शन? डायरेक्शन बताओ I2 का।
राइट साइड ठीक है। अगर ये सबका, अगर ये दोनों आंसर नहीं आ रहे ना, एक बार बाद में चेक करो, आएंगे यही आंसर आएंगे वो, ठीक है, हमारे इक्वेशंस के बराबर देखो। हाँ नेक्स्ट टेक डाउन। राइट डाउन बाय नोडल एनालिसिस फाइंड करंट I1, I2 एंड I3। डोंट राइट V1 एंड V2, दैट इज एक्स्ट्रा वर्क। स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ, डोंट राइट V1 एंड V2। डन। यस, डायग्राम ड्रॉ किया। यस मैम। हाँ नाउ दिस इज आवर न्यूमेरिकल। ओके, हमें इसमें क्या फाइंड करना है? यस आई वन आई टू एंड I3। हमें फाइंड करना है I1, I2 एंड I3। ऑलरेडी डायरेक्शंस आर गिवन, डोंट चेंज द डायरेक्शन। जो दिया है वो ही मेंशन करना है। ओके, नाउ करंट्स ऑलरेडी मार्क है इसमें। अभी हम करेंगे जंक्शन नोड ढूंढेंगे। दिस इज जंक्शन नोड, दिस वन, ये जंक्शन नोड है क्या? यस और नो? यस यस, से इट इज 1। हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। इमीडिएटली गिव लेबल विथ वोल्टेज V1। ये जंक्शन नोड बन रहा है क्या? दिस वन, यस। सो अभी हमने नंबर से डिनोट किया तो ये सेकेंड नंबर हो गया V2। ओके, नाउ ये कॉर्नर साइड का जंक्शन नोड बन रहा है क्या? जंक्शन नोड, दिस वन, और नोड कॉर्नर का, यस, नोड और जंक्शन नोड, नोड नोड। ओके, नाउ ये वाला लास्ट, इसमें कितने ब्रांचेस मीट हो रहे हैं? कितने ब्रांचेस मीट हो रहे हैं? 4। सो दिस इज द रेफरेंस नोड, दिस वन इज रेफरेंस नोड। मेंशन दैट
ये बताना बहुत जरूरी है रेफरेंस नोड। ठीक है हाँ नेक्स्ट राइट ऑन अप्लाई केसीएल एट वन जंक्शन नोड। ये ब्रांच में रजिस्टर का वैल्यू क्यों नहीं दिया? ये ब्रांच में रजिस्टर का वैल्यू क्यों मेंशन नहीं किया? यस जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज द रीजन? क्यों? व्हाई? निकल नहीं गया। ये रजिस्टर का वैल्यू क्यों नहीं दिया? बिकॉज हाँ करंट दिया है बिकॉज नोड फॉर नोडल एनालिसिस वी अप्लाई केसीएल एंड केसीएल नीड्स करंट। तो ये ब्रांच का ऑलरेडी करंट दिया है तो इसके लिए इसका रजिस्टर का वैल्यू उन्होंने मेंशन नहीं किया। ऑलरेडी करंट इज असाइन तो ये ब्रांच में से कौन सा करंट जा रहा है बताओ? ये ब्रांच में से 3 एम्पियर करंट। 3 आउटगोइंग है या इनकमिंग है? आउटगोइंग। आउटगोइंग तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। हाँ तो बताओ टाइम इज इनकमिंग और आउटगोइंग? फर्स्ट इनकमिंग आई वन प्लस इज इक्वल टू आई टू आउटगोइंग 3 एम्पियर इज ऑल्सो आउटगोइंग। ये ब्रांच का डायरेक्ट वैल्यू दिया है इसलिए हमने करंट एज इट इज लिखा है। ठीक है ना I1 कैसे लिखोगे बताओ? I1 120 माइनस V1 अपॉन 0.2। यस 120 माइनस V1 अपॉन 0.2। I1 के डायरेक्शन से देखना है 120 से निकल रहा है वो। हाँ व्हाट इज I2 नाउ हियर? I2 क्या रहेगा बताओ? I2 रोल नंबर टेन 15 नहीं है ये। अगर आपके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं नंबर नोट डाउन कर रही हूँ। रोल नंबर 10 15 नेक्स्ट रोल नंबर 20 वो भी नहीं आई। नहीं है वेरी गुड नंबर लिख ले रही हूँ मैं। हाँ 22 यस मैम। हाँ चलो बताओ मुझे आई टू। आई टू कैसे लिखोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला? सॉल्व करो जो भी आएगा इक्वेशन वन। ठीक है रोल नंबर 27 मैडम। 27 यस मैम। हाँ अप्लाई केसीएल एट जंक्शन नोड टू। चलो अप्लाई करके बताओ यहाँ पर। डायग्राम दाखो ना। हाँ दाखो ली ना है का। हाँ केसीएल अप्लाई करी थे इनकमिंग करंट कौन सा है? I2। हाँ आउटगोइंग अजून इनकमिंग आहे इथे I3। I3 हाँ काय इक्वेशन लिहू सांग आता? इक्वेशन सांग KCL इक्वेशन।
हाँ मैम 2 मिनट. पास एवढा वेळ लागतो 27 रोल नंबर. मॅडम डिस्कनेक्ट झालेलो. डिस्कनेक्ट झालेलो नेटचा इश्यू होता. सांग सांग आता सांग. हाँ इक्वेशन 1 हो गया सबका. यस और नो? इक्वेशन 1 कंप्लीटेड? यस. हाँ अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 2. बताओ इनकमिंग करंट क्या है? इनकमिंग करंट I2. और कौन सा है इनकमिंग करंट? हाँ जल्दी जल्दी बताओ. I2 इनकमिंग है. और कौन सा है इनकमिंग इसमें? I3. आउटगोइंग? हाँ आउटगोइंग क्या है? 20. तो इक्वेशन कैसे बनेगा? I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 20. ठीक है. हाँ I2 कैसे लिखोगे बताओ अभी. I2 कैसे लिखोगे फास्ट? कोई तुम्हें बताओ I2 कैसे लिखोगे? V1 माइनस V2 अपॉन 0.3. I3 फिर से बताओ. I3 V2 माइनस 110 अपॉन 0.1. रॉन्ग है. I3 का डायरेक्शन कहाँ से निकल रहा है बताओ. हाँ इस कम वन वन डायरेक्शन आवाज ब्रेक हो रहा है मैम. आवाज अटक रहा है. हाँ इधर देखो. I3 कहाँ से निकल रहा है? 1110 करेक्ट. I3 1110 से निकल रहा है तो फर्स्ट क्या आएगा? 110 V2 1. क्लियर होगा ये कंसेप्ट? I3 का इज इक्वल टू 20. चलो इक्वेशन सॉल्व करो एंड टेल मी V1 एंड V2 फास्ट. बहुत टाइम लगा रहे हो आप. ये इक्वेशन लिखा सबने? ये इक्वेशन लिखा क्या? यस मैम. हाँ अभी मुझे V1 और V2 जल्दी फाइंड करके बताओ. हेलो. यस डन. क्या है वैल्यू V1 एंड V2? V1 115.60. यस राइट. 115.6 एंड V2
अभी जो आपने सॉल्व किया ना वही प्रोसीजर रखने का, ठीक है? हाँ, नाउ आवर फाइनल आंसर इज नॉट V1 V2, V1 V2 आर द नोड वोल्टेजेस. V1 एंड V2 कौन से वोल्टेज है? नोड वोल्टेज. वी वांट टू फाइंड आउट नाउ I1. कैसे फाइंड करोगे I1? I1 अगेन फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, ठीक है? तो I1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 120 माइनस V1 अपॉन 0.2. हाँ, V1 का वैल्यू पुट करो और I1 बताओ क्या आ रहा है. सिमिलरली टेल मी I2 I3 फॉर्मूला पुट करने के बाद. I2 आंसर फास्ट करो, क्या प्रैक्टिस छूट गया क्या? यस, 19.06 एंड I3 I3 इज 3 क्या आएगा? 1110 माइनस V2 अपॉन 0.1. यस, I3 आंसर कितना आया? सी डिवीजन 1.1. Yes. हाँ, जो आपला पोर्शन पुढे जाईल, नाही तर जाणार नाही. एवढं स्लो चालत नाही. यस, आंसर इज 1.1, राईट आहे. टेक डाउन नेक्स्ट. By nodal analysis, find node voltages at A and B. फिजिकल डायग्राम इज इट विजिबल? यस मैम. यस मैम. यस. हाँ, ड्रॉ करो. ड्रॉ करके घर पे खुद सॉल्व करो, कल मुझे आंसर बताओ. कल नोडल का सेकेंड देखेंगे हम मेथड. कल प्रैक्टिकल बोला है ना, ऑफलाइन प्रैक्टिकल? यस. का शेड्यूल आया क्या? यस आ गया. मंडे? मंडे नहीं हुआ ना? ये घर पे सॉल्व करो. हाँ, शेड्यूल फॉलो किया बोला है. प्रैक्टिकल ना कल जो प्रीवियस शेड्यूल था वो. हाँ हाँ, हो गया. अभी इसके बाद लेक्चर है आपका 3 बजे.
लेक्चर है का 3 वाजता? मैम लेक्चर आहे का? ठीक आहे, मग घरीच सॉल्व करा. सुट्टी आहे मग सॉल्व करा ना, आता 5 मिनिटच लागतात. सॉल्व करू ये. ठीक आहे चलो लिव करू क्या फिर. सॉल्व करो ये, लिव करती हूँ मैं. थैंक यू.